एक बहुत ही शानदार जगह पाए हैं जिसका नाम टैक्सिला म्यूजियम है। आज हम हमें टैक्सिला म्यूजियम की आज हम आपको सैर कराएंगे। ये तारीख लिहाज से भी काफ़ी अहम जगह है, तो मैंने कहा चले आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दें और बहुत से दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं हम टैक्सिला म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत पुराने वक्तों के सिक्के हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये सिक्के हैं। ये आज से 2000-3000 साल पहले इस्तेमाल होते थे उस सब के ज़माने में, ख़ास तौर पर ये मिस्र में। ये चांदी के बर्तन ये भी आज से तकरीबन 2000 साल पुराने हैं, ये भी उस वक्त में यूज़ होते थे। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैचू वगैरह पड़े हैं, बहुत से दूर दूर से लोग हैं। ये बुद्ध का स्टैचू है, ये यहाँ पे सबसे मोस्ट स्टैचू है। ये यहाँ पे तकरीबन 2500 साल पुराना है ये भी, और यहाँ पे छोटे मोटे भी पड़े हैं। ये जगह के आप देख रहे हैं इनको शीशे के अंदर इन्होंने केमिकल लगा के अंदर रखा हुआ ताकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर इनको बाहर ऐसे खुली हवा में छोड़ दे तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसे अंदर केमिकल में महफूज करके रखा ताकि इनको कोई जंग वगैरह ना लग जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ये सर पड़े हैं बुद्धा के, कोई छोटे साइज में है कोई बड़े साइज में। ये देखिए काफी छोटे साइज में मूर्तियां भी पड़ी हैं बुद्धा की। ये बुद्ध जी सर की सबसे बड़ी मूर्ति जो खास तौर पर हमने एक शीशे में रखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं सुप्रीम सर जॉन मार्शल के बारे में लिखा है भाई वो कब पैदा हुआ कब मरे थे, ये सर जॉन मार्शल की तस्वीर लगी हुई है और ये उनके बैठने की चीज़ें जो दफ्तर है उनकी चीज़ें जो यूज करते थे, ये उनके खाने पीने का सामान है जो सब का जो करते थे जो 100 साल पुराना है, और इनका पैसा रोल में काफ़ी अहम किरदार है, इसलिए ऐसी शख्सियत को भूला नहीं जा सकता। बुद्ध की ये मूर्ति यहाँ पर सबसे अहम समझी जाती है, इसकी एक वजह ये भी है इसकी जो बुनियाद है वो सर जॉन कैम्फोर्ड ने रखी थी जो सर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे।